एक बार फिर से राजस्थान शर्मसार है। प्रतापगढ़ में जो हुआ वो राजस्थान में आपने देखा होगा, बार बार हो रहा है, लेकिन इस बार तो इन्होंने हद ही कर दी। ये इंसिडेंट 2 दिन पहले हुआ था। 2 दिन से पुलिस या प्रशासन को कुछ भी उन्होंने नहीं किया। जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके वो हरकत में आए प्रशासन, और अब जाके उन्होंने कुछ थोड़े बहुत अरेस्ट किए हैं। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उस पर रोक भी ये कांग्रेस की सरकार नहीं कर रही। और कैसे हिम्मत होती है किसी को कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह की हरकत करे? पति ने की, उसके परिवार ने की। उनकी हिम्मत इसलिए बढ़ती है क्योंकि यहाँ के जो मंत्री हैं वो ये कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है। जब आप इस तरह की स्टेटमेंट्स दोगे, आपकी सरकार में इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी होंगी और आप उसमें हंसी मजाक में उसको टाल दोगे, इसलिए इतनी हिम्मत होती है राजस्थान में कि इस तरह की ऐसी इंसिडेंट्स होती हैं। ऐसी ऐसे जो हालात हैं आज राजस्थान में, इतने ज़्यादा इतनी शर्म आती है मुझे। मैं भी राजस्थान से महिला हूँ, मुझे इतनी डर लगती है, मुझे खुद को इतनी डर लगती है कि क्या पता मेरे साथ कुछ हो जाए। महिला कहीं भी, कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है, चाहे हम घर की बात करें, चाहे हम पब्लिक प्लेसेस की बात करें, चाहे हम कहीं की भी बात करें, चाहे हॉस्पिटल्स हों, स्कूल्स हों। ये आप एम्बुलेंस में इस तरह की घटना होती है, आज तो ये किसी के घर में हुई और ये पूरे पूरे गाँव में इस तरह की घटना हुई, लेकिन कुछ भी हरकत नहीं की इस कांग्रेस की सरकार ने। और लगातार 50% क्राइम बढ़ा है इन 4-5 सालों में, 50% क्राइम बढ़ा है। और बहुत शर्म की बात है कि राजस्थान आज रेप कैपिटल है पूरे देश का। इनके बड़े बड़े नेता दूसरे प्रदेशों में जाके कहते हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान की किसी भी बेटी के लिए आप लड़ने के लिए आई हैं क्या? राजस्थान एक बार भी आई हैं क्या आप? नहीं आई। लेकिन 3 लोगों को अरेस्ट करा है, बहुत देर से अरेस्ट किया। ये घटना 31 को हुई थी, 31 से आज 2 तारीख हो चुकी है। ये 2 दिन तक क्या कर रहे थे? जब ये वीडियो वायरल हुआ तब जाके ये हरकत में आए, तब जाके इन्होंने कुछ करना शुरू किया। ये लगातार हो रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी इंसिडेंट को देख लीजिए, पुलिस तभी कुछ कार्रवाई करती है जब इनको लगता है कि अब तो अति हो गई, अगर हम नहीं करेंगे तो क्या पता सरकार को रिज़ाइन करना पड़ जाए, इसलिए अब हम कुछ करते हैं। इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिल रहा है सरकार का, प्रशासन का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है ही। आप देखिएगा, कोई भी इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, महिला अत्याचार का इंसिडेंट उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, संरक्षण है, इसीलिए इस तरह की इतनी ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रही हैं। चाहे क्राइम की बात करें, चाहे महिला अत्याचार की बात करें, चाहे हम भ्रष्टाचार की बात करें, इनके मंत्री, इनके